हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्यों 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 हंसी आई है बाद में यूट्यूब को प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि कई दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाए और सब दोस्त और सब फीमेल फैंस शायद नाराज होंगी। तो भैया अभी आपकी नाराजगी दूर करती हूँ और कमेंटों का जवाब देती हूँ। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोने सोने 5507 है, सोने सोने शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलते हैं कमेंट पे बात करते, खाली पीली कोई बात नहीं करेंगे, ओनली काम करेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए और मेरा भी पेट खराब हो गया था बाहर जाके, और अभी मेरे पेट में दर्द है और 2 दिन हो गए पता नहीं क्या हुआ है, और जबकि मैंने बस ओनली 2 बार ही खाना खाया 2 दिन में, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बाहर का चाट पकौड़ी ये सब उड़ाओ ना, कुछ भी नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ओनली रोटी सब्जी, वो भी 24 घंटे में एक बार। तो कमेंट पे बात करते चलते हैं। हारा सिंह 6528, मोटापा कम करे फिर वीडियो बनाए क्यों? तुम्हारे बाप की जागीर है क्या भैया? ऐसा कुछ लिखा है क्या यूट्यूब में कि भाई आप लंगड़े हो, आप लूले हो, आप काने भेंडे हो, आप काम नहीं कर सकते हो? भाई सुनना मेरी बात ध्यान से, तो आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये काम नहीं कर सकते हो? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खुद की पहचान खुद से बना सकते हो और दुनिया को प्रेजेंट करके बता सकते हो हम ये भी कर सकते हैं। तो भैया मैं भी कर सकती हूँ, और आगे से ज्ञान देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। योगेश 6254, मेरी जान --। तो ये ऐसा शब्द उन्होंने बोला है कि जिनको ना हम बहुत ज्यादा मतलब हम गुस्से में आ जाते हैं, और हम जब वो गालियां यूज करते हैं, तो उन्होंने उसको शब्द को यहाँ पे यूज कर लिया मेरी जान बोल के। उसी पे मेरे एक फैन है सन्नी, काफी पुराने मेरे मित्र हैं और बहुत ही अच्छी शेरो शायरी करते हैं, इन्होंने उनको थोड़ा सजेस्ट किया है कि इनकी मर्जी है, इनकी लाइफ है, इनका प्लेटफॉर्म है, इनका मन है डांस करने का, तो तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो थैंक यू ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जवाब नहीं दे पाते हैं, और आपको बुरा लगा, और क्योंकि आप मेरे से सन्नी जी प्यार करते हो तो बुरा लगा, इसलिए आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। योगेश 6254, मेरी जान --। तो इन्होंने यहाँ एक शब्द यूज किया है, तो जो हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लड़ाई होती है किसी से, मुंह वार्तालाप हो जाती है, ज्यादा ही हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तब हम कोई शब्द यूज करते हैं, तो उन्होंने वो शब्द यूज किया है। इसी पे मेरे एक दोस्त है मोनू पंडित, जो कि काफी मेरे अच्छे पुराने मित्र हैं और हमेशा से सपोर्ट करते आए घर के फोनों से और अपने खुद के फोनों से, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, थैंक यू मोनू पंडित जी, आपने बोला कि भाई इनकी मर्जी, इनकी लाइफ, इनकी वीडियो, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, काफी मेहनती हैं और मेहनत करते हैं, थैंक यू मोनू पंडित, आपको लव यू इतना सपोर्टिंग के लिए, वरना बहुत से लोग अपना कमेंट करते हैं और दूसरे दांत निकालने के लिए आ जाते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि एक इंसान गलत बोलता है तो दूसरा जरूर आता दाल में आग में घी डालने के लिए। मान सिंह, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इज्जत धोखे डाल रखी है भैया, सुनना आप किस बात पे बोला है, उसी पे पंकज जी ने बोल रखा आजकल इज्जत को तवज्जो दे कौन रहा है, तो ध्यान से सुनना किस बात पे बोला है, कि मैं कमल जाबिया जी के साथ में डांस कर रही हूँ, तो उन्होंने वो एक कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, हम गली में खड़े के दुनिया की ठाए ठाए, तो मैं खुद मैं नाच रही हूँ, उन्हें मौका नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक हमारी स्क्रिप्ट थी कि भाई मैं नाचूंगी तुम मुझे रोकना, तो उसपे उन्होंने बोला है। अब एक मेरी बात बता भैया, तू योगेश नाम हो क्या नाम हो, चल जो भी है तेरा XYZ, हाँ यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो भैया मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कमल जाबिया जी ने इतनी मेहनत कर रखी है, उन्होंने इतना नाम कमा रखा है कॉमेडी, और इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, उन्होंने तो हमारे साथ भी बहुत मजाक किया, कई वीडियो मजाक की बनाई है,
तो मैंने खुद उनसे बोला कि भाई प्लीज मेरे वेट को लेके बहुत से लोग मजाक करते हैं, आप ऐसी वीडियो भी बनाएं जो कि लगे कि भैया मोटे पतले काने भेंडे कुछ भी कर सकते हैं, जो जो इन लोगों को अंदर से जलन पैदा करते हैं। तो हम इनकी प्लीज ऐसी वीडियो बनाएं जो मेरा दिल खुश हो जाए। तो उन्होंने मेरे मनपसंद वीडियो मजाक वाली भी बनाई है। मैंने कहा कि जब मेरे कि आपको पेटीकोट सिलवाने के लिए टेंट के कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उस पर भी एक मजाक बनवाया है। तो ये कोई घनी बड़ी बात नहीं है, हंस के रहना, खुश रहना, ये जिंदगी, यही जिंदगी का दस्तूर है। तुम जिंदगी को रो के गुजार लो या जिंदगी को तुम लड़के गुजार लो, रहना तुम्हें यही है, अब सबको यही रहना है। हम इसलिए जलते हैं क्योंकि हमें लास्ट में दो मुट्ठी राख होना है ना, तो इसलिए अपने जीवन से ना आगे निकलो, आगे निकलो, इससे आगे बहुत दुनिया पड़ी है। रिजवान खान, ध्यान से सुनना रिजवान जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही थैंक यू आपको। मैं पूरी वीडियो पूरा ग्राफ दिखा नहीं पाई थी क्योंकि उस दिन मेरी स्कूटी, एक्चुअली मैं स्कूटी से गई थी, गाड़ी से नहीं गई थी, स्कूटी का इंजन सीज हो गया था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ रिजवान जी, मैं जब कहीं जाती हूँ और मैं किसी की गरीब की गोदी में बच्चा देखती हूँ, तो मुझे भी पता है कि वो 10 रुपए का एक बलून अपने बच्चे को नहीं खरीद के दे सकता, तो कोई 1500 की गाड़ी कोई खरीदेगा क्यों। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदे थे, मैं जो ज्यादा दिखा नहीं पाई, मैं आज आपको बता रही हूँ, और मौका मिलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी फिर चैरिटी करेंगे, फिर दिखाएंगे। और थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिखावे से ये नहीं है कि आप गरीब की मजाक उड़ा रहे हो, दिखावे से इंस्पिरेशन मिलती है, सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। इसीलिए मेरा दिमाग में ना आपका नाम रखा और मैंने काटा भी नहीं आप ये कि मैं इसे जोड़ूंगी नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपको लव यू, और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मेरा भी हाथ बनेगा कि मैं किसी के लिए कुछ करूं और आगे भी करती रहूं। थैंक यू सो मच, लव यू। आयुष 7551, ध्यान से सुनना, नेगेटिव कमेंट है जी, तो ऐसा करता कि अपने हरियाणा में ना ऐसे ऐसी ऐसी बात बोलू ना तो यहीं से मर जाएगा, और एडमिट भी कोई तो ना करेगा, हॉस्पिटल में भी एडमिट ना कर सके, सामने मिल जावे। तो इन्होंने बोला है कि प्यास बुझाने वाला कोई मिला नहीं। भैया ध्यान से सुन लिया आपने, मैं किसी को देख रही थी, शायद कोई जानने वाले निकल के गए हैं। तो इतनी तमीज नहीं है, और सोशल मीडिया पे मोनू पंडित जी ने जैसे बोला कि कमेंट सब लोग पढ़ते हैं, थोड़े हिसाब से बोलना चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छी बात कही आपने, इतनी समझदार, इतनी छोटी एज में आप इतने इंटेलिजेंट हो मोनू, इन लोगों को क्या पता, इन्होंने तो ना जैसे जानवर लड़ते हैं ना, जानवर लड़ते जो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, ऐसे इन लोगों ने अपनी इज्जत धो रखी है। भैया क्या कहें इनसे, मैं तो कुछ ही नहीं कह सकती। अब भैया जब मैं उनके साथ डांस कर रही हूँ तो उसमें क्या है, वही वो डांसर है, मैं भी डांसर हूँ, भैया वो मेरे को कोई पप्पी तो करना रे, किस तो करना रे, और वो छोटा है मेरे से तो वो मेरे भाई बेटा समान ही है, चाहे वो मेरे से 4 साल छोटा, मैटर ये नहीं करता है, छोटे तो हमेशा बच्चे समान ही होते हैं, बस रिस्पेक्ट है ना हमारे दिमाग में और हमारे दिल में होनी चाहिए। अपन सिंह ध्यान से सुनना, बुढ़िया सठिया गई है, हाँ हम तो 60 में आ गए, 75 में भी आएंगे, भैया भगवान उम्र देवे तो पूरी भी देख के जाएंगे, जितना कमाए हुए उसका मौज लेके जाएंगे, और हर कोई चाहता है, इंसान मरने से सब डरता है, पर ये उसकी बात है, अगर एक एक मैंने मार भी दिया ना ठुमका तो ना जिन कौन से बॉर्डर पे जाके पड़ा वो यूं ही ना पता हो। तो आगे से ना बुढ़िया सुढ़िया कहने की जरूरत ना, और रही उसकी बात टैलेंट की, कोई उम्र नहीं होती है, बस दैट्स ऑल। विजय पांडे 25-13, दुनिया कहाँ जा रही है, ध्यान से सुनना भैया, फेसबुक यूट्यूब इंस्टा को सरकार को बंद करना चाहिए, हाँ तेरी तो चलेगी, जो लोग बेचारे सपने देख रहे हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठते हैं बखत से कि हमें 10-11 बजे वीडियो पोस्ट करनी है, उनके घरों का काम तू करने जाता होगा ना, है तू जो कमेंटिंग बाजी, जो दुनिया इतने इतने टॉन्टिंग बाजी करते डिप्रेशन में लोग चले जाते, तू करता होगा उनका, है तू कमेंटिंग बाजी का जवाब देता होगा, तो तेरे घर की सरकार है जो चल जाएगी,
जो होगा डिसीजन जो ले लेगा, जो नहीं होगा नहीं लेगा। मेहनत लगती है, कोई ऐसे ही फेमस नहीं हो जाता है, ऐसे ही फेम नहीं मिलता है, मेहनत लगती है। तो दोस्तों ज्यादा समय मैंने लिया नहीं, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है और कमेंटों का सिलसिला चलता रहेगा अच्छे ब्रो के साथ। और ऐसे ऐसे झाड़ देती हूँ मैं, मेरे को बेटा ने बता दिया था, कह रहे ऐसे ऐसे झाड़ दिया करो, टेंशन मत लिया करो, किसी बात को सोचा मत करो, क्योंकि जो अपने हैं वो अपनी सी बात करेंगे, जो गैर हैं वो दूसरे गैरों जैसी बात करेंगे। तो थैंक यू यूट्यूब, यूट्यूब फैमिली, लव यू। और जितनी भी आपने मुझे बधाई दी है जन्मदिन की, उसके लिए थैंक्स लॉट, बहुत बड़ा। सबको मिस यू टू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें जहां भी रहें। और मैं अपनी बेल्ट निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पड़ी थी, अभी चेक पोस्ट पड़ा था। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू, ध्यान रखना अपना, खुश रहना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पानू तो मेरी सो गई है।